हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन के गट्टे की सब्जी। तो दोस्तों, हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है और हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी तो और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा मंगरेला अजवाइन और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच हम डालेंगे दोस्तों। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटा की तरह गूंथ लेना है। तो इसे हम आटा की तरह गूंथ लेंगे दोस्तों। तो लीजिए, हमारा आटा की तरह गूंथा गया है हमारा बेसन। तो हमने गैस पे कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पानी हमें हमारा उबाल आ गया है। तो इसे हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे हाथ में तेल लगा के दोस्तों, और इसे लंबे लंबे साइज में हम कर लेंगे। तो दोस्तों, एक हाथ में मोबाइल है तो ज़्यादा हिल रहा है दोस्तों, तो माफ़ कीजिएगा हमें। तो सब लोई को हमने लंबा लंबा कर लिया है और इसे हम पानी में उबालने के लिए डाल देंगे। तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे दोस्तों, तो चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा बेसन पका या नहीं। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, अभी नहीं पका है, तो इसे हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो हमने मसाला पीस के रेडी कर लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसी में से 2 चम्मच हमने बेसन में डाला था दोस्तों, और एक प्याज काट लिया है महीन साइज में। तो अब हमारा ये पक गया है बेसन, तो हमने गैस को बंद कर दिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और पानी को इसका फेंकेंगे नहीं हम दोस्तों। तो इसे हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो पानी हमने निकाल के साइड में रख दिया है, इसे ग्रेवी में काम आ जाएगा। तो चलिए, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और कढ़ाई हमने गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। बहुत ही आसान है दोस्तों बेसन के गट्टे बनाने के लिए। और हमारा तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे फ़ौरन के लिए 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। इसे हम चटकने देंगे। तो फ़ौरन हमारा पक गया दोस्तों। तो हमने जो प्याज काट के रखा था, एक बड़ा साइज में प्याज, तो इसे हमने महीन महीन चॉप कर लिया था। इसे हम भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक। तो प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। तो दोस्तों, हमने मसाला जो पीस के रखा था इसमें हम डालेंगे, मसाला को भी अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसन ठंडा हो गया है। तो इसे इस छोटे छोटे पीस में काट लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, हमने काट लिया और मसाला भी हमारा भुना गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे दोस्तों। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे अच्छे से भून लेंगे, टमाटर हमारा घुल जाए। तो इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला, तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके हमने डाल दिया। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भूनेंगे कि हमारा मसाला जले नहीं। तो हमारा मसाला भुना गया दोस्तों। तो हमने जो पानी रखा था
उसे हम डाल लेंगे ग्रेवी के लिए। इसे ग्रेवी हमारा गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों, तो पानी को इसमें हम डाल लेंगे। और हमने जो बेसन का गट्टे काट के रखा था इसे भी हम इसमें डाल के मिला लेंगे। ऐसे ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसन के गट्टे बन के रेडी हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बेसन के गट्टे आप कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।